प्रदेश में कल यूपी टेट की परीक्षा रद्द हो गई थी, जिसको लेकर आज झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और योगी सरकार का पुतला फूंककर यूपी टेट की परीक्षा में लीक हुए पेपर को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। आज झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और योगी सरकार का पुतला फूंककर यूपी टेट की परीक्षा में लीक हुए पेपर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिस पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक प्रताप ने कहा कि कल पूरे प्रदेश में 13 से 14 लाख युवा अपने घरों और टूटे हुए छप्पर से निकलकर परीक्षा केंद्रों पर इस संकल्प के साथ पहुंचे थे कि वे अपने परिवार का सपना और अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, लेकिन योगी सरकार की युवा विरोधी नीति ने युवाओं के भविष्य पर पानी फेर दिया है। परीक्षा लीक करने के बाद परीक्षा संपन्न होने के पहले परीक्षा रद्द कर दी गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले यूपी पुलिस, लेखपाल और तमाम भर्तियों में योगी सरकार ने किया है। या तो परीक्षा रद्द हुई या तो कोर्ट में लटका दी गई है। हम युवा योगी सरकार की युवा विरोधी नीतियों से नाराज होकर आंदोलन करने को बाध्य हैं। एनएसयूआई के राष्ट्र संयोजक अभिषेक प्रताप के साथ आशुतोष तिवारी, गोपाल सिरोठिया, रमाकांत वर्मा, सचिन श्रीवास, प्रांजल, पुष्पेंद्र सिंह, योगेंद्र, अमन राजपूत एवं दर्जन भर एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 12 से 13 लाख युवाओं का भविष्य कल अधर में लटक गया जब वो अपने अपने जिले और अपने अपने टूटे हुए छप्पर को छोड़ करके वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे इस उम्मीद के साथ और इस संकल्प के साथ कि वो अपने माता पिता का भविष्य निर्धारित करेंगे और युवाओं का भविष्य निर्धारित करेंगे। जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो उनको यह पता चलता है कि सरकार की लापरवाही और सरकार के षड्यंत्र पर परीक्षा पेपर को लीक किया जाता है और शर्मिंदगी में योगी सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। आज स्थिति पूरे प्रदेश में यह है कि चाहे वो यूपीएसआई का परीक्षा हो, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे वो किसी और प्रकार की भर्ती हो, या तो वो कोर्ट में लटक जाती है और या वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आखिर हम युवाओं के साथ हो क्या रहा है? रोजगार के अवसर नहीं है, इसीलिए आज एनएसयूआई के बैनर तले हम सभी छात्र इकट्ठा होकर के यूपी टेट के रोते हुए और बिलखते हुए बच्चों का आवाज उठा रहे थे और योगी सरकार का पुतला दहन किया है हमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वार पर। झांसी से आरएन शर्मा की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.